डियर स्टूडेंट्स, हम पहले एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट रे के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। नंबर वन, जो फर्स्ट टाइप है इसका, दैट इज एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0° एंड 90°। और वी कैन से दैट द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90° इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल भी बना दिया है 60° का। ये 60° जो है, इट इज बिटवीन 0 एंड 90°, सो इट इज एन एक्यूट एंगल। नंबर टू इज राइट एंगल। राइट एंगल इज दैट एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90°। तो यहाँ पे भी हमने लिखा, इसको एक राइट एंगल बना दिया, तो इट इज इक्वल टू 90°। नंबर थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90° एंड 180°। और वी कैन से द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90° एंड लेस देन 180° इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो हियर वी डिनोटेड बाय 90° x और 180°। सो दिस मेजर इज बिटवीन 90° एंड 180°। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहां पर एक फिगर लेंगे। क्योंकि हमें यहां तक पता है कि इट इज 90°, ये 90 से ज्यादा है, सो इट इज लाइक दिस, 90 से ज्यादा है। फिर यहां पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, एक और रे से मिलाएंगे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इस रे से रे, इस वर्टेक्स, हियर इट इज वर्टेक्स, और इसमें ये वर्टेक्स है, तो इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो यहां पर अगर हम एक एंगल भी बनाएंगे, तो सपोज दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो इट इज इक्वल टू 120°। नंबर फोर इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180°, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सो हियर वी टेक x इक्वल टू 180°। तो स्ट्रेट एंगल को हम सिंपली ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक पॉइंट लेंगे, ये एक रे है इस साइड में, एक साइड में दूसरी रे है, तो ये एंगल जो है यहाँ पे जब हम एंगल बनाएंगे 90, ये तो 90 है, ये दूसरा 90 है, so it is equal to 180°, so we represented this by x and here it is 180°, it is called a straight angle. Number 5 is reflex angle. Reflex angle, an angle whose measure is between 180 and 360°, so we write here 180°, less than x or less than 360°. So इसका value जो है reflex angle का, it is between 180 and 360°. तो यहाँ पे हम एक रे लेंगे, तो हमारा reflex जो आएगा, जो इस side में आएगा obtuse angle, तो यहाँ पे आएगा reflex angle, यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजर है बिटवीन 180 एंड 360°। हम इस कोई एंगल ऐसे भी खींच सकते हैं, एक साइड में ये राइट एंगल है, एक साइड में राइट है, तो इस साइड में ये होगा 270°, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्स है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये राइट एंगल के, इन दोनों का सम जो है इट इज इक्वल टू 360°, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड
कॉम्प्लीट एंगल, कॉम्प्लीट एंगल, एन एंगल हूज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे हम इसको ड्रॉ करेंगे कंप्लीट एंगल को, एक रे हम लेंगे, दिस इज ए रे, तो यहां पे ये हमारा एंड पॉइंट है रे का, तो यहां से हम लेंगे ये कंप्लीट है, कंप्लीट मीन्स इट इज सर्कल, कंप्लीट एंगल एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दीज आर अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। थैंक यू।